नरेंद्र मोदी सरकार के बजट 2020 पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को जहां दिवालिया करने वाला बताया है, अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो इस सदी की दिवालिया सरकार का पहला दिवालिया बजट है। वित्त मंत्री ने करीब 3.25 घंटा बजट भाषण दिया। बजट भाषण इतना लंबा इसलिए था क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं था। बजट पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि आखिर इस बजट में किसके लिए क्या है, जरा बता दीजिए। अखिलेश यादव ने कहा कि दिवालिया सरकार का इस साल का पहला दिवालिया बजट है ये। बजट निराश किया है देश के किसानों को और खासकर नौजवानों को निराश किया है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश जहां सरकार खुद स्वीकार कर दिया आंकड़ों से कि सबसे ज्यादा नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी के सपनों को पूरा करने के लिए क्या है इनके पास, कहाँ है नौकरी, कहाँ है रोजगार, कहाँ है इन्वेस्टमेंट। तो जो सरकार 10 का झूठा आंकड़ा पेश कर रही हो जीडीपी का, अपने स्वार्थ में अपने तरीके से सब चीजें बदल दी, क्या है? कौन भरोसा करेगा इस बात को कि 10 की रेट ले लेंगे, जीडीपी का 10 का रेट होगा।